जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। मरने के बाद तुलसी गंगा जल क्यों रखा जाता है मुंह में? एक समय की बात है कि एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे मन में एक शंका है, कृपा मेरे मार्गदर्शन करें। तथा भगवान शिव बोले, हे पार्वती, क्या है तुम्हारा मन का शंका? कृपा कर बताओ, तुम्हारे शंका का निवारण करके हमें प्रसन्नता होगी। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य मृत्यु के बाद तुलसी पत्र का जल अपने मुख में पाता है तथा रोज तुलसी में जल देने से क्या होता है तथा उस मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जो प्रश्न पूछा है वो समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही उपयुक्त है। हे देवी, तुलसी पत्र संबंधित मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, आप इस कथा को ध्यान से सुने। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, हे नाथ, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी और लोक कल्याण हेतु इस कथा का प्रसार भी करूंगी। तब भगवान शिव कथा सुनने के आरंभ करने लगे और कहें कि हे देवी, गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहता था जिसमें 5 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता किसी बीमारी के कारण गुजर गए थे। बहन सबसे छोटी थी और वह मेरी बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाती थी, नित्य रूप से पूजा पाठ भी किया करती थी। ये 5 भाई हर रोज जंगल में जाकर शिकार करते थे और जो भी मिले उसे घर लाकर पकाकर खाया करते थे। उनका यही नित्य काम था और बहन घर में रहकर काम कर भाइयों की सेवा किया करती थी, उनके खाना बनाती तथा एक दिन उनका हाथ चाकू से कट गया। मछली को काटते हुए जब हाथ कट गया, फिर उसके भाई हाथ से खून बहने लगा और उन्होंने रक्त को दीवार से पोंछना चाहा। तो सोचा कि भाइयों की इस बात का पता लगने पर उसे बुरा लगेगा, अगर कपड़े से पोंछ लूं तो भी उनकी नज़र से नहीं बच सकता। इसलिए उसने उस रक्त को मछली में ही डालकर मछली को पका लिया। जब रात को भाइयों ने मछली को खा लिया तो वे अंगुलियों को चाटते ही रह गए और वह खाना बहुत ही पसंद आया। फिर सबसे बड़े भाई ने बहन से पूछा कि आज खाने में ऐसा क्या मिला है जो इतना स्वादिष्ट बन गया है? तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन खाना खाने के स्वाद पुराने जैसे ही था, लेकिन बड़े भाई ने बहन से को कसम देकर पूछा कि खाने में क्या मिलाया था। बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में उसे बता दिया। तब बड़े भाई के कुटिल दिमाग में एक बुरा ख्याल आया, क्यों ना हम अपनी बहन को ही मार कर खा जाएं? क्योंकि उसके रक्त की चंद बूंदे ही इतनी स्वादिष्ट है तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा, मुलायम कोमल। और अगले ही दिन बड़ा भाई अपने बहु कुटिल योजना से सारे भाइयों को बताया और सबसे छोटे भाई को छोड़कर सारे भाई राजी हो गए। तब बड़ा ही भाई अपनी बहन की हत्या करने की साजिश करता रहा। दूसरे दिन वे सभी अपनी बहन की शादी कराने हेतु उसे दूसरे गांव चलने के लिए मना लेते हैं। फिर वे सभी अपनी बहन के साथ रास्ते की एक छोटी सी गुफा में जाकर उसे बांध देते हैं और उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं। तभी उस में से मन ही मन ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहती है, हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करें। तब एक चमत्कार हो जाता है और सबसे बड़ा भाई भांड को चलाता, लेकिन वो निशाना चूक जाता है, उसका निशाना बार बार चूक जाता है। फिर दूसरे भाई ने भी एक एक कर बाण चलाते रहे, फिर सभी का निशाना चूक जाता। अंत में सबसे छोटे भाई को बाण चलाने को कहते हैं, किंतु वो मना कर देता है। तब सभी भाई उसे ही जान से मारने की धमकी देते हैं। उसकी बहन स्वयं मुझसे विनती करती हुई बोली, हे प्रभु, आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण ले लें। ऐसा होते ही
सबसे छोटे भाई का बाण बिना निशाने के ही बहन के सीने में भेज जाता है। तब वो चार भाई अपनी ही सगी बहन को काट कर पकाते हैं और आपस में परोसते हैं और अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सर खाने के लिए देते हैं। वो अत्यंत दुखी होकर मन ही मन दुख रोता है और उसने अपने कपड़े को एक मछली का टुकड़ा छुपा कर रख लेता है और उसने जब उस मछली को ही खाने में मिलाकर खा लिया तो उसी समय उसके अपने पात्र में उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन के सिर और हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। फिर वे सब वहां से चले गए। फिर दूसरे दिन भाई छोटा इस जगह पर आकर एक बांस का पेड़ अपनी बहन के याद में लगा देता है, उसे रोजाना पानी देता है। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाने के बाद एक साधु उस बांस के पास मल मूत्र त्यागने हेतु आते हैं। वहां से आवाज आती है कि हे साधु महाराज, आप इस जगह पर मल मूत्र न त्याग करें। तभी वह साधु अक्षर से एक बांस के टुकड़े को काट कर अपने साथ रखते हैं और उसकी एक बांसुरी बना लेते हैं। जब वही साधु बांसुरी बजाता था तो उसमें से एक स्त्री की सुंदर ध्वनि आती थी। वह साधु उस बांसुरी को बजाते हुए अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद वह साधु उस बड़े भाई के घर गया तो उस बांसुरी से आवाज आने लगी कि इसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है। ऐसा सुनते ही बड़ा भाई घर से भागते हुए आया और उससे उस साधु को अपने द्वार के आगे से भगा दिया। फिर इसी तरीके से साधु ने उन चारों भाई के द्वार पर जाता और किंतु वह सभी साधु को वहां से भगा देते हैं। साधु को तब कुछ हद तक बात समझ में आ जाती कि जिस स्त्री की आत्महत्या हुई थी बांसुरी में रहती है, उसका इन लोगों के साथ जरूर कुछ नाता है। किंतु बेचारा साधु उन सभी लोगों का एक साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। साधु फिर अंत में पांचवें भाई के द्वार पर जाता है और तभी वो बांसुरी कहती है, यही मेरे प्रिय भाई है, यही मेरे प्रिय भाई का घर है। जब घर में बैठे दुखी होकर भाइयों को अपनी बहन की पुकार सुनाई दी तो वो भागते हुए घर के बाहर आता, किंतु वो देखता है कि एक साधु बांसुरी बजा रहे हैं लेकिन द्वार पर खड़ा है। वो उस साधु ने उसे बताया कि यह आवाज़ इस बांसुरी के से आ रही है। तब वो भाई उस साधु से कहा कि विनती करके बांसुरी मांगता है कि तब वो साधु उस बांसुरी को पांचों भाई को दे देते हैं और वहां से चले जाते। फिर वो भाई अपनी बहन की आवाज़ वाली बांसुरी बजाता और कहती कि भाई मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु मेरी ये मुक्ति के लिए हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ाओ तथा भगवान श्री हरि विष्णु की नित्य पूजा पाठ करो। और अपनी बहन की बातों को मानकर वह भाई नित्य तुलसी में जल देता और भगवान विष्णु की पूजा पाठ करता रहा। एक दिन जब भाई तुलसी को जल देते हुए मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहा था, तभी भगवान विष्णु उसी तुलसी के पौधे से उस गरीब भाई के घर में प्रकट हुए और भाई को तुरंत भगवान विष्णु के शरण में आया और सच्चे मन से स्तुति करने लगा। तब भगवान विष्णु ने उस भाई को तुलसी का पत्र का जल उस बांसुरी में डालने को कहा और उसने भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उस बांसुरी में तुलसी पत्र से जल डाला तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उस स्त्री का पुनः जन्म होकर स्वयं उस बांसुरी से बाहर आ गई। तब उन भाइयों ने भी भगवान विष्णु की तुलसी से संबंध महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, ज्ञान अब आप भी ध्यान से सुन लो। देवी लक्ष्मी का ही रूप है तुलसी माना जाता है। तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुख शांति आती है और धन का लाभ होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना शुभ होता है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्य उदय से लेकर उसमें 2-3 घंटे बाद तक का ही होता है। तुलसी के पौधे में रविवार को जल नहीं चढ़ाया जाता है। मंगलवार को तुलसी में जल चढ़ाने से भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होकर रोज
होते हैं और रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के सभी दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति के विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिससे उसके शरीर से मुक्ति मिल सके, वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। इस प्रकार जब भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के समय मुख में गंगा जल डालना चाहिए। इसका कारण यही है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता और कुछ बूंदे मृत्यु के उपरांत व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खोल देती है। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालने से उसे कोई शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और आसान मृत्यु मिल जाती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी की पत्तियां रह जाती हैं तो मरने से व्यक्ति की आत्मा भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त कर संसार से मोह माया से मुक्ति मिलती है और शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। तुलसी के नाम से यम लोक में जो भी कष्ट देने वाले राक्षस होते हैं वो शांत हो जाते हैं और यह मार्ग आसान हो जाता है तथा मोक्ष मिलता है। इसलिए मोक्ष के लिए गंगा जल और तुलसी का सेवन मृत्यु के समय किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक लाइक करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको जानने को मिलेगा मृत्यु के लक्षण, कैसे पहचान सकते हैं कि मृत्यु हमारी कब होगी।